हाँ, और चल है, तूने मुझे कल बोला था भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, खैर खैरियत है? आज व्लॉग शुरू हो रहा है रात से, और हाशिर और मैं दोनों जा रहे हैं मार्केट क्योंकि आज हमारी छुट्टी थी। यार तू बजा ले, तू कर ले शोर भाई। गोरे यहाँ पे गोरे भी ना इस ये गाड़ियों वाले मैंने देखे हैं, जाहिर नहीं है। फूल छूल ले जा रहा है निबंदी शंदी के लिए, यहाँ पे ये सीन होता है। तो बंदा गोरा मुझे देख रहा है, तो ये सीन है कि अपना क्या कहते हैं, हाशिर जो है आज मुझे ट्रीट दे रहा है। क्यों हाशिर ट्रीट दे रहे हो ना आज? ये लेकर आया है, ये लाइफ होती है, देखे सब्जी जो है ब्रेड पे लगा के खा रहा है और ये लाइफ होती है इधर, ठीक है। और अभी हम जा रहे हैं दोनों मार्केट, घूमे फिरेंगे, आपको भी दिखाते हैं। उसके बाद जो हमने खाना है उसका रिव्यू देंगे आज आपको, अच्छा सा बेहतरीन। अच्छा जी, हम लोग आए हैं जी ज़ारा की शॉप पे, ज़ारा ब्रांड जो है उसकी शॉप पे। मैं और हाशिर कपड़े देख रहे हैं, लेने नहीं है हमने, सिर्फ देखने ही है अभी तो देखने ही है, इंशाल्लाह ले लेंगे। ये शर्ट है मेरे ख्याल से 17 pound, यार नॉट बैड। और ये एक जैकेट है, मैंने हाशिर को बोला है भाई तू ले, बड़ी खूबसूरत जैकेट है, मगर ये पेंडू बच्चा है ना इसको नहीं पसंद ये। 49 की है ये। यार ये जैकेट तो अच्छी है, ये मेरे लिए अच्छी है क्योंकि ये गर्म रहने के लिए बेस्ट है। हाँ तू ले ले ये स्कर्ट, पहन ले तू, अच्छा लगेगा इसमें। चावल आदमी 180 pounds की, नहीं 80 pounds की है, और 1 dollar में भी प्राइस लिखी हुई है। तो लड़कियों के भी कपड़े हैं बहुत सारे। और ये मेरे ख्याल से सामने परफ्यूम्स और वो भी हैं, ठीक है। ऐसे ये देखें, ये लॉन्ग कोट्स, ये ज़्यादातर औरतें यहाँ पहनती हैं। ये परफ्यूम्स है ना, परफ्यूम भी अच्छे होते हैं इनके, मजाक के अलावा। ये भी छोटे बच्चों वाली जैकेट्स हैं। यार ये जैकेट अच्छी है, ये जूते चेक करें, और ये जैकेट, मगर ये महंगी बहुत है, 89 की है, तो 90 pounds की। और ये सारी लेडीज़ वाली हैं, ये मुझे मेंस वाली लग रही है। आशिर ये प्यारी जैकेट है यार, अच्छी जैकेट है। ओह गुड यार, इसकी प्राइस देखते हैं। ये बड़ा प्यारा मतलब नरम फर है इसका, इसका कोई ओच शर्ट यार गिर गई, कोई और जैकेट ही गिर गई, जैकेट गिर गई, ये वापस टांग। और इसकी प्राइस देख जरा, प्राइस टैग नहीं लगा हुआ यार इस पे। ओह ये उससे भी महंगी है जी, 109 pounds और $159 की। ये भी मुझे अच्छी लगी है, मगर ये मुझे लगता है लड़कियों वाली है। हाँ ये लड़कियों वाला ही सेक्शन है। ओए होए होए, ये भी लड़कियों का। चलो भाई यार, तमीज़ होती है यार चीज़ें, तमीज़ होती है यार, तमीज़ होती है। यो हाँ क्या हुआ था? फिर अच्छा, मैं खुद ऐसा ही था यार, ये मैन सेक्शन है यार वाकई। वो मुझे लगता है नीचे सारी लड़कियों के थे, हम मैन समझ गए थे यार। मैन सेक्शन बड़ा फिट है, ये चेक करें, स्वेटर अंदर जैकेट, ठीक है। क्या प्राइस है? 79 pounds। महंगी होते हैं भाई ज़ारा की चीज़ें, फिर महंगी होती हैं, मगर ये होता है कि क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें होती हैं। ये देखें, और वो ये जैकेट फिट है यार। हाशिर ये जैकेट फिट है ब्रो, ओए होए 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 होए, जैकेट फिट है। प्राइस देखते हैं यार, फिर प्राइस ना डरा देती है जी। लेडीज सेक्शन यूके की, ये अच्छी बात है, अगर आप 3-4 महीने यहाँ काम कर लेना, अच्छी जॉब मिल गई तो बहुत अच्छी बात है। एवरेज जॉब मिल गई, नॉर्मल जॉब मिल गई, काम कर रहे हैं तो आप इस तरह के कपड़े अफोर्ड कर सकते हैं अपने लिए। मगर मेरे हिसाब से बस आप ज़रूरत की चीज़ें लें, बेकार चीज़ें लेके बाहर ऐसे शो करने का क्या फ़ायदा। मैं जैकेट लेकर आया हूँ अभी तक, यही पहन रहा हूँ, तो इन चीज़ों से मतलब ये तब करें जब आपके पास बहुत फजूल पैसे हों। क्यों आशिक ये देखें जी, सिटी सेंटर जो था ना,
1853 में ऐसे था। हाँ अभी भी ऐसे ही है, मगर ये है कि वो जैसे मैंने हाँ बताया था कि ये अपना आर्किटेक्चर जो है ना उसको बड़ा प्रिजर्व करके रखते हैं, और ये अच्छी बात है। और साफ भी ऐसे आपको लगता है, अभी इतनी पुरानी जगह है, ये देखें पुरानी सीढ़ियाँ हैं, मगर ये इस पे निशान है, बाकी ये गंदी नहीं नज़र आएगी, मैं कचरा आपको इतना नहीं नज़र आएगा यहाँ पे। सिटी सेंटर 5 बजे जो है ना दुकानें बंद हो जाती हैं मोस्टली, और इस वक्त सिर्फ बार और रेस्टोरेंट्स वगैरह खुले हैं, ठीक है। तो सिटी सेंटर जो है 9 बजे कह रहा हूँ, 5 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। अब कुछ स्टोर्स खुले हैं मगर मोस्टली जो है ना सारे बंद ही हो, जैसे ये देखें सामने। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, टाइम पे लोग उठते हैं, टाइम पे काम करते हैं, टाइम पे ही घर चले जाते हैं यहाँ पे। अभी जी हमने ये चॉकलेट स्टिक्स ली हैं, ये बड़ी मज़े की हैं, इस बच्चे को अच्छी नहीं लगी, कहता है बच्चों के लिए होती हैं और खुद खा ही नहीं था बच्चा। ये पकड़ एक मिनट। तो बस सिटी सेंटर घूमा है, काफ़ी हद तक बंद ही था, कुछ था ही नहीं दिखाने के लिए। ये हमारे घर के रास्ता जाता है, ये पार्किंग है बहुत बड़ी। अब हम जाएंगे अपना खाना खाने, तो मैं और हाशिर यहाँ पे खाना, उसका रिव्यू भी आपको देता हूँ मैं। ये जी हमारा कुर्दिश भाई है, इसकी दुकान है, और ये देखें सामने चिप्स वो बना रहा है बेहतरीन किस्म के। और आज हमने ऑर्डर करना जो पहले भी आप लोगों को दिखाया है, प्रॉपर आज उसका रिव्यू देंगे आपको, डोनर रैप। तो आज हाशिर भी मेरे साथ है और खाएँगे, इंजॉय करेंगे, मज़ा आएगा। दिखाते हैं आप लोगों को डोनर रैप फिर यहाँ का बेहतरीन किस्म का, फुल अच्छा वाला रिव्यू देंगे उसका। यूनिवर्सिटी इज गुड, हाँ ये मेरा दोस्त है जी, और ये हमारा रैप बन रहा है, ही इज फ्रॉम कुर्दिश। व्हाट इज योर नेम ब्रदर? माय नेम इज जाक्शिरा। जाक्शिरा? नो, माय नेम इज मोहम्मद। मोहम्मद, मोहम्मद। वो देखें जी हमारा रैप बन रहा है मेरा और हाशिर का। तो ये बीफ वाला रैप और बहुत ही टाइट है यार, बहुत मजे का, बेहतरीन। ओके अल्लाह हाफिज़ जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये जी ले लिया शवरमा, आशिर ने भी, मैंने भी, और आशिर जो है रोना शुरू कर देता कि यार नहीं खाना शवरमा यार, नहीं खाना यार। ओ यार ये मुझे लेकर जा रहा था उधर वेजीज पिज़्ज़ा खिलाने, वो मुझे नहीं यार पसंद, अच्छा होता है, मैंने खाया हुआ है, मुझे पसंद है वेजीज पिज़्ज़ा, मगर मैंने इसे बोला कि यार ये ज्यादा, देखो पागलों वाली हरकतें, मैंने उस दिन बोला था ना यार बच्चे पागलों वाली हरकतें करते हैं, उनमें से एक ये भी है। और ये खुद को समझता है ये डकी भाई के बाद दूसरा नंबर है इसका। बेटा हाँ मैं हूँ, मैं हूँ चावल। ये देखें जी इस तरह ये रैपिंग में होता है, ठीक है, इसके अंदर ये फॉइल वाली रैपिंग में होगा। फिर ये है चिप्स, खोल के दिखाता हूँ आप सबको। ये है जी बीफ वो रैप, ठीक है, अब आपको ट्राई करके दिखाते हैं। यार बहुत मज़े का, मैं इधर मोबाइल में एक्सप्लेन नहीं कर सकता इतने मज़े का। देखा ये चेक करें जी शवारमे की लुक, ये साथ में फ्राइज और ये ड्रिंक, कैसा है आशिर चिप्स रिव्यू दो। ऑर्डिनरी, इसने यही बोलना है, इसने खाना है, इसको अच्छा कोई चीज़ वो कर दो ना, रिकमेंड कर दो, खिला दो, इसने एंड में यही बोलना है। चल बोल, अब बोल। ऑर्डिनरी, ठीक है, चल अब शवारमा खाएगा फिर भी यही बोलेगा। हाँ जी कैसा है? मुझे तो बड़ा, मेरे मुंह में जा नहीं रहा। छोटा मुंह है ना तुम्हारा, छोटे से बच्चे हो। टेस्ट कैसा है ये बताओ? 7 ऑर्डर। देखा मैंने क्या कहा था, इसने यही बातें करनी होती है, बड़ा नाशुक्र आदमी है, ठीक है। और ये देखें जी हमारा ये वासिद का बेड है, इधर मैं सोता हूँ, इधर हम बैठ के खाना खा रहे हैं, ये लाइफ होती है, इधर इंजॉय करना होता है बस। उम्मीद है व्लॉग अच्छा लगा होगा आप लोगों को, छोटा सा व्लॉग मैंने बनाया, छोटा सा तो नहीं बड़ा ही होगा, मगर ये है कि मतलब मेन मकसद आपको शवारमा वगैरह दिखाना। मिलते हैं एक नए व्लॉग से, अल्लाह हाफिज़।